नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस का फॉर्म लाइव फिलअप करके दिखाएंगे आपको क्या क्या जानकारी उस पर मांगी जाती है जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के लिए आप अपने कंप्यूटर मोबाइल जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके ब्राउजर में आ जाएंगे, गूगल क्रोम मोजिला जो भी आप यूज करते हैं, और गूगल में टाइप करेंगे एसएससी एनआईसी टाइप करेंगे, या आप सरकारी रिजल्ट फ्री जॉब अलर्ट जो थर्ड पार्टी वेबसाइटें होती हैं उनसे भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी SSC NIC जो उसकी होम वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप डायरेक्ट गूगल में SSC NIC टाइप करेंगे तो इस तरह का आपको दिख जाएगा SSC NIC.in। ये वाली वेबसाइट आपको खोलनी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये पेज इस तरह का आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसका मेन पेज SSC.NIC.in का जो ऑफिशियल पेज है इस तरह खुल के आ जाएगा, जिसमें अगर आप नए यूजर हो तो यहाँ पे नीचे आपको न्यू यूजर रजिस्टर कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपके पास कोई ओल्ड रजिस्ट्रेशन है SSC का, आपने कोई पुराना फॉर्म फिलअप किया, तो आप उसको डाल के उसका पासवर्ड डाल के कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लेंगे डायरेक्ट। हमारे पास पहले से ही है रजिस्ट्रेशन नंबर, हमने पुराना फॉर्म भरा था जो SSC का, उसका पासवर्ड भी है, वो रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं उसको डायरेक्ट। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो इस तरह आपके सामने पेज खुल जाएगा। ये देखिए, इस तरह आप पेज देख सकते हैं, ये एक तरह से आपका अकाउंट खुल गया सारा। आप इसमें अपना पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं सारा, आपने जो भी फॉर्म भरा होगा SSC का, जैसे इसके प्रतिवर्ष निकलते हैं फॉर्म CHSL CGL SSC GD वगैरह, सब पुराना रिकॉर्ड आपका इसमें आप देख सकते हैं, अपना आपका सारा पुराना रिकॉर्ड इसमें दिख सकता है। ये देखिए CGL का, इसमें आप प्रिंट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन का, कॉन्स्टेबल GD, ये सभी आपके ओल्ड जितने भी फॉर्म होंगे आप इसमें देख सकते हैं, उसका स्टेटस प्रिंट वगैरह ले सकते हैं। बाकी आपको जैसे अभी फिलहाल SSC MTS का फॉर्म फिलअप करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर लें, हमें फिलहाल ये वाला फॉर्म भरना है SSC एग्जामिनेशन 2021 वाला, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी डिटेल पुरानी सारी भरी हुई खुल जाएंगी, सारी जितनी भी पुरानी डिटेल भरी हुई है सारी खुल जाएंगी, बस हमने इसमें कुछ सीमित चीज़ें सेलेक्ट करनी है, बाकी तो सारी डिटेल हमारी भरी हुई आ जाएंगी पुराने रजिस्ट्रेशन के आधार पर। जैसे हमें सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर करना है सेलेक्ट, एग्जामिनेशन के सेंटर के प्रीफरेंस के हिसाब से 1, 2, 3 सेलेक्ट करने हैं, एक्स सर्विस मैन ये सुनो करना है एक्स सर्विस मैन है या नहीं, और नीचे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ये सुनो करना है, अगर कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है वो देखना है, अगर ज़रूरत है तो यस करो उसको। इसमें यहाँ पे कोड खुल जाते हैं, उसके कोड सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर अगर आपको रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, छूट चाह रही है एज में, वरना नो करके आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे ये कोड आ रहे हैं इसके, स्टेट के हिसाब से स्टेट में जो जो वैकेंसी है, अब की बार 2 वैकेंसी दिखा रहा है इसमें, पहले तो MTS का ही आता था सिर्फ वैकेंसी, की बार हवलदार की वैकेंसी भी आ रही है इसमें, तो आपको इसमें कोड के हिसाब से अगर आप सारे डालना चाहते हैं प्रीफरेंस 1, 2, 3 करके, पहले पे कौन सी चाहिए सेकंड पे कौन सी, तो आप सारे भी कोड डाल सकते हैं सीरियल से, ये सारे कोड आपके सामने हैं, कौन से स्टेट में का क्या कोड है ये सब लिखा हुआ है इसमें। बाकी जैसे ऑल इंडिया MTS करना है तो अप्लाई आप 72 कोड है इसका, 72 कोड सेलेक्ट करो आप, सारे जितने भी ये आ रहे हैं कोड सारों के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी MTS की वैकेंसी होगी 72 कोड सेलेक्ट करती आप सारों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी जैसे हमने कुछ स्पेशल चारी अगर हमें प्रीफेरेंस जैसे UP की जा रही है हमें शुरू में, तो उसमें शुरू में UP वाले कोड सेलेक्ट कर लेंगे एक दो, और फिर इसमें 72 सेलेक्ट करके बाकी में एक्स का निशान सेलेक्ट करें तो सारे वो लॉक हो जाते हैं फिर, और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन IS जो भी है आपकी, उसके बाद फिर इसमें 10th बेस पे है तो 10th की डिटेल डालनी है बस, 10th जैसे अगर पास है तो पास, वरना FPR भी भर सकते हैं आप, अगर आपके FPR वाला भर सकता है ना उसको फॉर्म को, तो आप FPR, और उसमें यहाँ पर परसेंटेज आपकी 10th में अगर पास है तो 10th की परसेंटेज कितनी है वो डालनी है, बाकी रोल नंबर और उसका बोर्ड ये सन कौन से सन में पास होते हैं सब भरे हुए आते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल पूछता है कि आपकी जॉब के लिए पर्सनल डिटेल SSC शेयर कर सकते हैं नहीं, इसको यस भी कर सकते हो नो भी, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका मन करो वो कर सकते हैं आप। और फोटोग्राफ का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फोटो के ऊपर बहुत रिजेक्ट होते हैं SSC के फॉर्म अब, जहाँ फोटो का आपको विशेष ध्यान रखना है, 23 दिसंबर 2021 के बाद का ही फोटो आपको इसमें अपलोड करना है, 23 दिसंबर 2021 जिस पर डेट मेंशन होनी चाहिए फोटो में, नीचे नाम और नीचे उसके डेट मेंशन होनी चाहिए जिस दिन आपको फोटो खींचा हुआ है, और साइज़ जो है फोटो का 20 KB से 50 KB साइज़ होना चाहिए आपके फोटो का, और सिग्नेचर जो है 10 KB से 20 KB के बीच का। फॉर्मेट इसमें JPG चलते हैं बस ओनली, ना PDF चलता ना PNG कुछ नहीं चलता, सिर्फ ओनली JPG। और फोटोग्राफ यस करना अनिवार्य है कि आपका फोटो जो है 23 दिसंबर 2021 के बाद का है, ये यस ही करना है आपको, ये यस कर देंगे, और उसके बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करके आप प्रीव्यू करेंगे एक बार, और फॉर्म प्रीव्यू होता है सारा, आपने जो भी डेटा भरा वो आप एक बार और देख सकते हैं। अभी हम आपको पोस्ट दिखा देते हैं, पोस्ट कैसे डालनी है इसमें,
पोस्ट में बहुत से लड़ जाते हैं जब फॉर्म भरते हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें ये करना है हमें, जैसे जो हमने सिग्नल में पोस्ट डाली उसके बाद जो हमें सारी प्रीफ्रेंस में वो डाल के क्रॉस जरूर लगा देना है इसमें, एक्स का जब आते ही सारे लोग हो जाते हैं फिर। और यहाँ पे अपना सारा फॉर्म फिलअप करके सही सही कैप्चा कोड डाल के, सही सही कैप्चा कोड डाल के इस पर एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं फॉर्म को। फिर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, अब हमने डिटेल सारी भर दी इसकी, डिटेल आपको बता दी कैसे कैसे भरनी है सारी, और फोटो यस करना ही है। उसके बाद एक बार देख सकते हैं आप डिटेल को एक बार, और यहाँ पर वरना बस प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे सीधा बस। फोटो का भी सही ध्यान रखना, फोटो पे डेट मेंशन होनी जरूरी है वरना आपका फोटो रिजेक्ट होएगा 100%, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने फोटो में कोई भी गड़बड़ करी हो। देखिए जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एक बार और, आपका फॉर्म पूरा, आपकी सारी डिटेल आप एक बार और चेक कर सकते हैं। एक बार इसका अपना जितना भी डेटा आपने फिलअप किया इसको आप एक बार देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको कोई मौका नहीं मिलने का इसमें करेक्शन करने का, इसलिए आपको एक बार और अच्छे से अपना सारा देख लेना चाहिए कि सारी डिटेल जो हमने फिलअप की वो सभी सही है, बारीकी से एक बार सारों की जांच कर लेनी चाहिए। यहाँ पे एडिट मॉडिफाई आ जाता है अगर आपको कुछ भी लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है, वरना सबमिट पर क्लिक कर देंगे बस सीधा। एक बार और पूछता है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबमिट हो गया आपका। और अगर फीस जमा करनी बहुत ज़रूरी है, फीस के बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपकी फीस मांगता है तो आपको फीस देनी ही देनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी मोड से आप फीस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे इनके बच्चे कैटेगरी ओबीसी थी तो उनकी फीस 100 रुपीज़ है, तो हम इनकी फीस पे करते हैं। यहाँ पे बैंक के गेटवे पे आ जाते हैं, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, जहाँ से भी आपका सही लगे, आपको जहाँ से भी आपको सूटेबल हो आप उसी से पेमेंट कर सकते हैं। हम अभी डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के इसमें कैप्चा कोड फिलअप करके पेमेंट कर देना है। 100 रुपये पेमेंट है इसका, 100 रुपये फीस कटेगी इसकी आपकी। वो ये देखिए यहाँ पे फिर ओटीपी कोड आ जाता है, जैसे आप डेबिट कार्ड से काटते हैं 6 अंकों का ओटीपी कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है जो आपके बैंक खाते से लिंक है। वो ओटीपी कोड डाल के मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी फ़ीस कट जाएगी आपके अकाउंट से, और ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा एसएससी वाली वेबसाइट पे, बैंक के पेज से ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा एसएससी वाले पेज पर, और इस तरह एसएससी का पेज खुल जाएगा दोबारा से उसी पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा अगेन फिर से अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो यूजर नेम है हमारा, और कैप्चा कोड फिलअप करके दोबारा लॉगिन कर लेंगे प्रिंट लेने के लिए फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोबारा डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे दोबारा, क्योंकि अभी प्रिंट लेना है और चेक भी करना है स्टेटस कि हमारा फॉर्म सही से फिलअप हुआ या नहीं। एक बार देख लेंगे, एक बार फॉर्म का प्रिंट लेने से पहले एक बार हम अपना पेमेंट देख लेंगे सही से कट गया, ये पेमेंट स्टेटस पर जैसे क्लिक करें देखा दिए सक्सेस आ गया, सबसे नीचे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस। अब इसको क्लोज कर देंगे अगर फीस सही से कट गई, और इसके बाद एक बार एप्लीकेशन स्टेटस भी देख लेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको ये देख लेना है कि सारा कंप्लीट हो गई है क्या सारी स्टेप, ये देखिए ये दिख रहा है कंटेंट्स नॉट वेरीफाई। आप बीच में एक बार लॉगिन करके ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके फॉर्म में कंटेंट्स नॉट वेरीफाई, अब ये वेरीफाई होता है ये आप एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने एसएससी ने कि आप अपना चेक कर सकते हैं बीच में लॉगिन करके फॉर्म को कि आपका फॉर्म सही सही है भी एक्सेप्ट हो गया या नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपने पुराने ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर से बिना किसी असुविधा के। धन्यवाद दोस्तों।